अभी 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 कोई ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आप एक बात समझिए, ये सब चीजें तो सरकार के जो काम होते हैं वो हम लोगों को करना पड़ता है। अपना काल्पनिक बयान देते रहते हैं तो उसको जस्टिफाई क्यों करना। अगर कोई चीज कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है, तो हम अपना फालतू समय उस बातों पर बयान दे करके, सफाई दे करके क्यों हम व्यर्थ करें, तो कोई मतलब ही नहीं है। असल में चिंता उन लोगों की है कि डरे हुए हैं एकदम। अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका आप समझ लीजिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम शिथिल पड़ गए, क्योंकि जो जिस हिसाब से सरकार महागठबंधन में काम हो रहा है और जिस हिसाब से सोशल समीकरण, या आप देख लीजिए दो दल हैं जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार की एकजुट हुई हैं, तो उससे डरे हुए लोग हैं। तो महागठबंधन का वोट बैंक भी अगर आप देखें कभी भी, तो 15 में क्या रिजल्ट था, 170 पार था कि नहीं था। तो आप समझ लीजिए ये तो पहली बार है महागठबंधन जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाथ पैर फूला हुआ भाजपा का, तो इस तरह का बयान दे करके थोड़ा अपने आप को जो है पासपोर्ट आप लोग जानते हैं ना कि 21 साल का हमारा पासपोर्ट जो है वैलिडिटी जो है को मिलता है, और उसमें से 6 महीना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 6 महीना आप इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको वीजा के लिए वो स्पेस चाहिए होता है, वैलिडिटी स्पेसिफिकली चाहिए होता है। तो सब 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 तो प्रक्रिया में है ही, सब चलिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई सब तो चल ही ना रहा है, नहीं कहाँ जा रहे हैं, खबर आ रही है कि आपने रद्द कर दिया इसको लेकर। अभी 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 कोई ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आप एक बात समझिए, ये सब चीजें तो सरकार के जो काम होते हैं वो हम लोगों को करना पड़ता है। पिछले बार भी हम लोग जो है जापान होके आए हैं, वहाँ बिहार के लोग जो इतने बड़े तादाद में मिले, बहुत लोग जो है पहली बार बिहार का पूरे देश के तौर पे जो जाटा का जो रहता है आपका टूरिज्म को लेकर के, उसमें बिहार का एक अलग से स्टॉल रहा, बड़ी खुशी की बात है। और उस स्टॉल में जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी आए देखने, तो ये तो उपलब्धि है। तो अब तो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम तो बनता ही रहता है, ऑफर आते रहते हैं, अभी लंदन से भी आया था, बर्लिन से भी आया था, लेकिन टीम जाती है, सरकार के लोग जाते हैं। एक तरफ आप लोग नौकरी दे रहे हैं, नियोजित टीचर को परमानेंट कर रहे हैं, असल में यही बात है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना, और कुछ मानसिकता है ऐसी, कुछ लोग हैं बैठे हुए मीडिया चैनलों में भी कि भाई जब कास्ट सेंसस की बात आए तब मुद्दा को दबाना, डाइवर्ट करना स्टोरी, जो फिजूल की बात है उसको हाईलाइट करना, ब्रेकिंग न्यूज में दिखाना, आरक्षण जब बढ़ाएगा तो कुछ और न्यूज चला देना। अब जब इतने बड़ा निर्णय राज्य सरकार ने लिया कि जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख के आसपास हैं सबको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तब ये लोग बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो अब टूट मच रही है, टूट मच रही है। असल में ये सब लोग को 3-3 महीना पर लकुआ लगता रहता है, ये लोग का वैलिडिटी जो है ना 3 महीने का रहता है, 3-3 महीना पर उछलते रहता है, 3 महीना बाद 2 दिन चलाएगा न्यूज और उसके बाद पस्त रहेगा, फिर जागता नहीं, नहीं कुछ करना है तो फिर उछलता है। तो यही काम कर रहा है सरकार, बहुत दिन नहीं चले कुशवाहा जी, लोग तो चाह रहे हैं कुशवाहा जी तो हर जगह हो ही ना लिए भाई, अब तो सब उनकी समझदारी तो और बढ़ गई है, हम लोगों का तो सम्मान तो है ही ना भाई उनके प्रति, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े वो भी, लेकिन किस्मत ही उनका साथ नहीं दे पाता, या उनका निर्णय ही, या वो खुद ही जो है अपने आप को कहाँ ढकेल देते हैं, लेकिन हम लोग तो शुभचिंतक हैं। कुछ लोग तो आस लगाए हुए उधर भी, अरे भाई एक ही चीज पूछिएगा अलग अलग तरीके, कुछ अब भाजपा NDA क्या है मतलब, फिर आप लाइएगा सूत्र, एक बार सूत्र लोग को सामने जरा लाइए ना,